अनुभव नहीं, दुख तो भोग कर रहे हैं किंतु हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हम दुख के क्या मान रहे, सुख मान रहे हैं। जैसे आप कर रहे हैं, मतलब आप सुख में है, बड़े मजे में छे, मजे में छे, हैं? जो वास्तव नहीं है, सब दुखी है। क्योंकि जगत के नाम है दुखालय सत्सम, दुनिया का लेता है। देखो एक छोटी कथा मैं सुनाता हूं। एक समय एक नमक के पहाड़ में रहने वाले एक चिट्टी है, उन्होंने किया कि अपने मित्र चीनी के पहाड़ के रहने वाले मित्र के पास घर में गए हैं। कौन गए? कौन चिट्ठी गए? नमक के पहाड़ में रहने वाले चिट्ठी जो है कहाँ गए? चीनी के पहाड़, चीनी के पहाड़ में गए। उन्होंने सुना ये चीनी जो बहुत मीठा है, तो गए वहां पर है। तो उनके मित्र चीनी के पहाड़ में रहने मित्र उनके खाने से बहुत कुछ दिया। क्या दिया? सब मिठाई दिया। मिठाई है ना, चीनी के तो पहाड़ है, सब मिठाई बनता है। किंतु देखो नमक के पहाड़ पर रहने वाले चिट्टी जो है कुछ समय के देखा जो कुछ भी खाते हैं सब क्या लगते हैं, नमकीन लग रहे हैं, हैं? खारा लग रहे हैं। तो अपने मित्र के घर ले, मित्र मैंने सुना था तो आपके इधर सब कुछ मीठा है किंतु तो मैं जो कुछ भी खाता हूं सब सब खारा लग रहा है, ये लग रहा है, नमकीन लग रहा है। बोले कैसे हो सकता है, हमारी इधर जो है सब मीठा मीठा ही है। बोले ना मैं जो कुछ आप देते हो सब मुझे खारा लगता है। बोले तुम मुख खोलो। देखो उसके मुख जो खोला ना, देखा उस मुख में अंदर एक नमक का जो है नमक का ढेर रखा हुआ है, है? क्योंकि नमक के खाने खाते कहते उसको नमक के ढेर रखते हैं ना, है? वो रखा दिया। बोले इसको तो फेंको, है? जब एक नमक के ढेर नहीं फेंक गिराओगे, नहीं करोगे और मुंह अच्छी तरह से नहीं धोगे, तो हमारे इधर जितने भी चीनी मिठाई जत्न के मिठास कैसे लगेगा, है? तात्पर्य क्या है, इस संसार में हम सब दुख में पड़े, इसलिए संसार को कहा जाता है दुनिया कहा जाता है, है? इसलिए कहते हैं दुनियादारी सपन के खेला। इस संसार दुनिया में दुख है, इस संसार में सब दुख है। सुखी कोई है? है? आप सुखी हो? सुखी नहीं है। इसलिए कहते हैं दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, है? अंत में ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले भाई कोई सुखी नहीं, सब दुखी दुखी है। सुखी वही है जो हरि भजन करते हैं, जैसे आप बता रहे ना कि हम सुखी है, किसने सुखी है ना, हरि भजन कर रहे, जो हरि नाम करते हैं वो सुखी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम भजन करेंगे उसके सुख है। अनित संसार में दुखी, कई तन से सुखी कई मन से सुखी है, कोई तन से सुखी कोई मन से सुखी कोई धन से सुखी है, सुखी नहीं सब दुखी, कोई तन से सुखी कोई एक कोई तन से दुखी
और कहीं मन से दुखी है। क्या सब तन से दुखी है? शरीर में लग कष्ट होता है कि नहीं? क्या होता है? रोग बीमारी हो जाता है, है? क्या बीमारी है तुम्हें? ये बोल जाए थकावट बोल रहे हैं वो कितने से आए हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मेरा तन से सुखी, न तन से सुखी या दुखी? अरे कुछ तो बोलो, दुखी है कि सुखी है? सबसे सुखी गुरु महाराज ये जीव है, ये जीव है ने सुनना ने बोलना। अच्छा जिंदगी मगज मारी नहीं उसको नहीं, वो भी दुख है। वो सोचते हैं जी देखो सब लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, हम कुछ बोल रहे बोल नहीं पा रहे, वो भी तो दुखी है। देखो सब लोग बोलते हैं है, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग हम कुछ बोल नहीं पा रहे है। क्योंकि ये संसार की कहा जाता है दुखालय सत्संग, दुख के आलय माने गृह है। आलय माने क्या बताया? गृह, घर। जिस घर में दुख दुखी है उसे सुख कहां से मिलेगा? समुन्द्र के जल कैसे, पानी कैसे है? खारा है। कोई का सोचे जे समुद्र के जल मैं पी लूं, पी सकते हैं? पी नहीं सकते। समुद्र के जल खारी है, है? इसलिए आपको जाना पड़ेगा जहां पर मीठा पानी हो, है? है? एक स्थान का नाम है मिठापुर, मिठापुर है बिहार में, एक जगह में मिठापुर गांव है, कई जगह में है, है? मिठापुर स्टेशन है, है? मीठा तो नाम तो मीठा है किंतु सब ये संसार दुखमय है, है? और हम हमारे शरीर भी ऐसे ही होते हैं, शरीर के अंदर कष्ट होता है, है कि नहीं भाई? कोई तन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी है। तन से सभी दुखी है, शरीर चलते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, है? और धन से दुखी, जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, है? कितना पैसा रखा है बैंक में? है जीरो। सुखी, सुखी नहीं है। पत्नी कहते हैं पैसा ले आओ, बेटी कहते हैं पैसा ले आओ, है? अच्छा कपड़ा दो, है? अच्छा खाना दो, है? मकान, अच्छे मकान होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, जितने भी इसी चाहवत में बढ़ते जाते हैं सबको, है? इस संसार में हम सब चाहते हैं और भी हो जाए, है? जिसके 5 मंजिल है वो क्या चाहते हैं? मेरे पास और 2 मंजिल हो जाए, 4 मंजिल हो जाए, है? सब, क्योंकि इस संसार में सब चाहते हैं हमें पास, है? किंतु देखो जब भगवान धाम में जाओगे उसमें एक ही चाहवत रहेगा, क्या रहेगा? भगवान की सेवा करें बस, है? उस चीज जगत में भी जीव है, है? भगवत धाम में जितने जीव है उनके पता नहीं है ये ऐसे माइक नाम से कई धाम है, स्थान है, उनके कोई पता नहीं है, है? वो लोग इतने सदा सर्वदा भगवत सेवा में लगे रहते हो, है? उनके पता नहीं है इस संसार में जो कैसे लोग कष्ट में रह रहे हैं, क्यों? माया के त्रिगुणात्मक इस ये माया कहा जाता है, 70 रजत तम, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य के द्वारा लोग भरे हुए हैं, है कि? आ बताओ। किंतु चित जगत में जब जाओगे वहां पर उस धाम के कहा जाता है आनंदमय धाम, क्या धाम? आनंदमय धाम है, ऐसी तो शास्त्र वेदांत में कहा गया आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय भगवान के जो अभ्यास करो माने पुनः पुनः उसकी स्मरण करो,
हैं, प्रभु के धाम में जाओ। आप यदि कहो कि आप सच बोल रहे हैं वहां पर कोई आनंद धाम है ना, ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हो, बोले है, जब जाओगे तब पता चलेगा। है एक व्यक्ति विदेश चले गए, इंडिया से बाहर गए, साउथ अफ्रीका चले गए। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब घूम करके आ गए तो उसके लोग पूछने लगे, अच्छा बताओ तुमने वहां क्या चीज देखा? है विदेश जो गए क्या चीज देखा? तो कहने लगे, देखो मैंने वहां पर एक ऊंट को देखा। बोले ऊंट तो इधर ही है। बोले इधर के ऊंट में कितने हंस होता है? हैं? एक होता है। साउथ अफ्रीका में जाओगे उसके ऊंट के कितना होता है? दो होता है। तो बोले दो होता है? हैं? देखा आपने? नहीं देखा। लोग गुस्सा हो गया, अच्छा बताओ झूठ मूठ बोल रहे तुम, अच्छा और क्या चीज देखा? बोले एक पक्षी को देखा। हैं? अच्छा लोहे के एक पक्षी को देखा, उसमें लोग बैठता है और चलता रहता है, आकाश में उड़ता रहता है। गांव के लोग सुनकर के गुस्सा हो गया, बोले ये तो झूठ बोलता रहता है। हैं? अच्छा ये लोहे के पक्षी क्या है? जिसे कहा जाता है एरोप्लेन। क्या बताया? जो एरोप्लेन नहीं देखा व नहीं चढ़ा वो कहते तुम झूठ मूझ बोल रहे हो। हैं? किंतु देखो जब वो सचमुच जब एरोप्लेन के देखा एरोप्लेन में चढ़ा तब उसके विश्वास हो। हैं? आ समझे? ठीक उसी प्रकार ये चित जगत वैकुंठ जो धाम है गोलोक धाम है उसके बारे में अब कहा जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, कहते झूठ मूठ बोल रहे। किंतु जब गोलोक वृंदावन में जाओगे है ऐसे सुंदर दिव्य धाम है वहां पर भी मनुष्य रहते सब गोप गोपी आदि सुंदर दिव्य स्थान कहा जाता है वहां पर कोई ठंडी नहीं रहता है, कोई गर्मी नहीं रहता है उधर पर ये एसी व पंखा की जरूरत नहीं होता है आज में वहां पर सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। न तो भासते सूर्य है इसे कोई जरूरत नहीं, ऐसे दिव्य स्थान है। और वहां पर रहने वाले जो जितने भी जीव है मनुष्य है पक्षी है पेड़ पौधे सब है, किंतु देखो उनके शरीर कैसे है? सब चिन्मयी शरीर है। कैसे शरीर है? देखने में तो हमारे जैसे है, उनके हाथ है पैर है नाक है कान है ये शरीर जैसे है। और उस जगत में ऐसे सुंदर सब भगवान की सेवा आदि करते रहते सब है, इसलिए कह रहे हैं क्या बोले ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं चिंता मणि प्रकार सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर पालयन्तम् लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम् आदि पुरुषां तमहं भजामि गोविंदम् आदि पुरुषां तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कार्य वहां पर जितने मकान है गृह है सब चिंतामणि के द्वारा बना हुआ है। आपके घर किससे बना हुआ है? ईंट पत्थर से है। किंतु देखो गोलोक वृंदावन जाओगे चिद्धा में सब गृह किससे बना हुआ है? चिंतामणि। चिंतामणि देखा क्या नहीं तो आपके कैसे पता चलेगा? हम तो ईंट को देखा, ईंट से बनता है पत्थर से बनते हैं है? मकान इधर पर देखा ना पत्थर से बनता बन रहा है सीमेंट लगा करके बन। किंतु गोलोक वृंदावन में भगवत धाम में जितने गृह आदि जो है घर आदि जो है किससे बना हुआ है? चिंतामणि क्या चीज है? चिंतामणि किसने देखा?
देखा आप लोगों ने? एक भी नहीं देखा है? चिंतामणि है? है? चिंतामणि के पास जाना पड़ेगा है? जो चिंता करोगे वही फल तुम्हें दे देते हैं। इसे नाम ही है क्या? चिंतामणि है, किंतु सारी गृह जय सब चिंतामणि जैसे है। जैसे आपके बोलने भी आपके समझ में नहीं आएगा है। जैसे कह रहे हैं कोई एक अंधा व्यक्ति के निकट यदि हाथी के रूप वर्णन करे, हाथी कैसे है? विशाल एक पहाड़ के बांधे, वो तो जन्मांध है, कभी हाथी देखा ही नहीं है, है? तो उसको दिखाने के लिए क्या, उसके क्या कहना पड़ता है? उसे स्पर्श कराओ है? आज है तो स्पर्श कराओ, हाथी के जो पैर स्पर्श किया तो ये कैसे खंभे के भांति है, खंभे है ना, तो कहेंगे भाई खंभा क्या है, वो तो जन्मांध है ना है? उनके जितना भी समझाओ उसके समझ में नहीं आएगा है? समझ में आएगा? इसलिए जब तक गोलोक वृंदावन धाम में नहीं जाओगे हजार बोलने पर भी नहीं आएगा। भगवान की आंख कैसे है बताओ? कमल ने, कमल देखा आपने? तो भगवान की आंख कमल की भांति है क्या? ये तो आपके समझाने के लिए कार्य है। कमल क्या होता है? वो एक दिन के बाद क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं ना, सब जज जज के गिर जाते हैं। क्या भगवान की आंख ऐसे है? है जो आप कह रहे हो भगवान की आंख कैसे है? कमल, कमल नयन का है, है? कमल के पंखुड़ियां जो है बहुत सॉफ्ट होता है, है? किंतु देखो कमल एक दिन के बाद की कुछ समय के बाद कमल के सारे पंखुड़ियां गिर जाता है, चुच्चर जगह गिर जाता है। क्या भगवान की आंख ऐसी है? ऐसी नहीं है, है? क्योंकि इस जगत में जितने हम उदाहरण देंगे वो उदाहरण वास्तविक उदाहरण नहीं है। क्या है वो? रियलिटी नहीं है वो, इसको समझने के प्रयास करो। क्योंकि भगवान के विग्रह कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद क्या है? जो वस्तु वस्तु के बारे में आपके अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, हजार समझाने भी समझ में नहीं आएगा है? जैसे एक व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कहा, अंधे व्यक्ति ने कहा हमें दूध पिला, उसको दूध पिला, कर रहा है दूध कैसे है? दूध कैसे है? सफेद है, दूध सफेद है कि नहीं? तो अंधा कहने लगे भाई दूध कैसे है बताओ, फिर उसको उदाहरण देने लगे दूध कैसे है? सफेद है। बोले सफेद कैसे है? बोले बगुला की भांति है। बगुला देखा आपने? बगुला जैसे सफेद है, क्रेन बगुला देखा इधर है? इधर बगुला कहाँ देखे है? इधर तो तालाब बहुत कम है, उधर जाना पड़ेगा। नारायण क्या बोले? नारायण सर्वे जाना पड़ेगा, उधर देखा था है? बोले सफेद कैसे? ए बगुला जैसे सफेद है। बोले बगुला कैसे? वो तो जन्मांधन। जितने उदाहरण दो उसे कुछ समझे, वो और भी प्रश्न करते रहे, तो अब उनके हाथ पकड़ करके कहा जाता है देखो बगुला कैसे है, है? ऐसे ऐसे उसके हाथ पकड़ करके बोले ऐसे टेढ़ा जैसे। कहां दूध के वर्णन हो रहा था, अभी कहां गया? बगुला आ गया। और बगुला कैसे है? हाथ पकड़ उस भी समझ में नहीं आया।
क्योंकि कहने की तात्पर्य है भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के धाम जो है, है आप अनुभव उतने ही करेंगे जब आप भजन करोगे और स्वयं भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश कर देंगे तब है। इसलिए कहते हैं नयन आत्मा प्रवचन लभो न बहुना श्रुतेन जौ में वैसे बिन्न तो तेन लभो तस्य आत्मा विवृते तनुसाम विवृते तनुसो। जब भगवान स्वयं अपने स्वरूप का प्रकट प्रकट कर देंगे है, और भगवान की कृपा से आपको दिव्य नेत्र मिलेगा, दिव्य आंख मिलेगा, अपराजित आंख मिलेगा, तब भगवान को आप देख सकते हैं है। सूर्य के रश्मि आ जाए अंधा व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, अंधा व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा है। और फिर जिसके पास आंख है यदि सूर्यालोक नहीं आ जाए अंधकार में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। आंख रहने पर भी आप देख नहीं पाओगे जब तक सूर्य की रश्मि नहीं आ जाए। अब सूर्य की रश्मि आ जाए किंतु यदि आंख नहीं अंधा हो क्या दिखाई पड़े। इसलिए दो वस्तु होनी चाहिए, आंख भी होनी चाहिए और सूर्य की रश्मि होनी चाहिए। तात्पर्य क्या है ना, भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। इसे कहते हैं नयन आत्मा प्रवचन लभो, नयन आत्मा, आत्मा नहीं है पर भगवान आत्मपुस्त आत्मपुस्त, भगवान के जो दर्शन के लिए क्या चाहिए, भगवत कृपा, उनकी कृपा के द्वारा ही तब देख सकते हैं। देखो जिस प्रकार महाभारत के युद्ध की प्रारंभ में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय को, ये संजय मेरे पुत्र पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के क्या कर रहे हैं, ममका पांडवश्चैव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिर, ममका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं हे संजय मेरे पुत्र पांडवों के पुत्र जो है धर्मक्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो करके है वो लोग क्या कर रहे हैं ये मुझे बताओ है। संजय कहां पर बैठे हुए युधिष्ठिर क्या बोले धृतराष्ट्र के पास कहां, कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर में संजय और धृतराष्ट्र बैठे, धृतराष्ट्र अंधा है ना और व्यास प्रसाद है ना, व्यासदेव की कृपा से संजय दिव्य शक्ति प्राप्त कर लिया। और देखो वहां पर बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहे सब देख रहे हैं, कैसे देखा ना, इसी को दिव्य शक्ति कहा जाता है। जब तक गुरु और भगवान के कृपा वर्षित नहीं हो तब आप चित धाम को दर्शन कर नहीं पाओगे है। इसलिए हमें क्या चाहिए, भगवत कृपा है, भगवत कृपा गुरु कृपा हो जाए तब दर्शन कर पाएंगे, चित वस्तु जाए है, चित वस्तु के दर्शन करने के लिए चित शक्ति भी चाहिए, चित बल चाहिए, क्या चाहिए, चित बल, ट्रांसेंडेंटल स्ट्रेंथ पावर चाहिए। जब तक ट्रांसेंडेंटल स्ट्रेंथ पावर नहीं आ रहे तब तक आप उचित वस्तु के दर्शन नहीं कर सकते है। एक बार रामानुचार्य अपने मंदिर में बैठे हुए थे है, रामानुचार्य का नाम सुना कि नहीं है, श्री संप्रदाय के जो आचार्य रामानुचार्य, क्या नाम बताया, रामानुचार्य लक्ष्मी नारायण के पास है, रामानुचार्य के पास है और आकर के मंदिर के दरवाजे के सामने बिल्कुल ऐसे बैठ गए है, मंदिर को पीछे करके है बैठ गए है, दरवाजा कैसे खोलेंगे, और वो धनुर्धर ऐसे बड़ा गुंडा था, बदमाश था है, शराब पीता था,
कुकार्य करता था, थोड़ा सा कुछ बोलो तो वो आपको मार डालेंगे, हैं? ऐसा शाम के समय हो गया, 5 बज गया, मंदिर खोलना था, किंतु वो धनुर्धर ने किया कि अपने पीठ के जो है दरवाजा में ऐसे लगा करके बैठा हुआ है, और उनके पत्नी सामने बैठी हुई, पुजारी रामानुजाचार्य जी के पास जा करके भगवान के सामने अपने मुख रख कर बैठो, ऐसे पीठ रख करके बैठना नहीं चाहिए। दरवाजा कैसे खोलेंगे हैं? इतने समय रामानुजाचार्य आ गए, रामानुजाचार्य आ करके बोले, धनुर्धर के बोले, देखो हमें पत्थर के आप लोग पूजा करते हो हैं, किंतु देखो मेरा पुत्री कितने सुंदरी है हैं। रामानुजाचार्य बोले, देखो ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात विग्रह चिन्मय विग्रह है, इसके एक बार दर्शन करोगे और संसार के कोई वस्तु देखने के तुम्हारा कहने लगे, देखो एक विग्रह के एक बार तुम दर्शन कर लोगे और इस संसार के किसी वस्तु के तुम्हारा देखने के इच्छा नहीं हो, तुम्हें जो पत्नी जो कार्य है इसको भी देखने की इच्छा नहीं हो। बोले ऐसे यदि हो तो मैं आपके वचन देता हूं, यदि आप मुझे दर्शन करा दो, ठाकुर जी के दर्शन करा दो तो, और मंदिर के पट खोल दिया और पट के खल के रामानुजाचार्य जी ने किया कि वो धनुर्धर के सिर पर ऐसे हाथ रख दिया और देख बस धनुर्धर ठाकुर जी के विग्रह देख करके मूर्छित हो गया, रोने लगे। इसी को कहा जाता है कृपा करे, गुरु कृपा कहा जाता है। रामानुजाचार्य में ऐसे सुख, रामानुजाचार्य कोई सामान्य नहीं थे, रामानुजाचार्य कौन थे? साक्षात लक्ष्मण के अवतार थे, राम हाथ रख दिया है, हाथ रखने के साथ ही साथ विग्रह के देख करके मूर्छित हो, इतने सुंदर दिव्य जो अपराकित जो है और रोने लगे। हे रामानुजाचार्य ने कहा, तुमने क्या दर्शन किया? जी कहा प्रभु आपने ऐसे सुंदर विग्रह के दर्शन कराए, जिसको कहा जाता है सच्चिदानंदमय विग्रह है, सच्चित आनंद जी विग्रह जो दर्शन किया। इसलिए कह रहे नयंगात्मा प्रवचन लब्भो न बहुना श्रुते न जमे भविष्य तेनो तब्बल जेन जेने विवृते तनुसाम। जब स्वयं भगवान तुम्हारे हृदय में से अपने स्वरूप के प्रकाश कर देंगे तब आप देख सकते हो, तब वो धनुर्धर ने कहा कि रामानुजाचार्य जी के चरण पर रोने लगे, मैं सोचता था मेरा पुत्री सबसे सुंदरी है, किंतु आपने ठाकुर जी के इतने सुंदर रूप दर्शन कराया है, मैं आपके निकट चिरऋणी बन गया है। और कहने लगे मैं अपनी पत्नी को देखना नहीं चाहती हूँ, चाहता हूँ। रामानुजाचार्य बोले नहीं, तुम विधिवत उनके साथ विवादी करके उनके साथ विधिवत विवादी किया और विवादी करके मंदिर को दर्शन कराया है। भगवान दर्शन किसी का हो जाए ना, इस संसार के कोई वस्तु देखने के लिए उसके इच्छा तक नहीं है। सुंदर रूप जो है कास्त्रंग ते कर पाद अमृत बेनु गीतम, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं केवल गोपियां कृष्ण के रूप दर्शन करके आकृष्ट नहीं है, सभी जीव समुदाय एक बार गोविंद के दर्शन कर लेते हैं।
बंद करके समझ में। बोले क्या कान काम कैसे बंद करके रखा है क्या रुई भी नहीं रखा, रुई रखा है कान सबके कान में देखो तो जाए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो सुनाई क्यों नहीं पड़ रहे, कृष्ण तो बुला रहे, समझ में आ रहे कृष्ण सबको बुला रहे, हम नहीं कह रहे जे कृष्ण केवल गोपियों के बुला है, कृष्ण सबको बुला रहे, आपके भी नाम है सुंदर नाम लेकर के पुकारे है, अनंग मोहन के नाम लेकर पुकारे है, आपका नाम कृष्ण कृपा, सब नाम उसमें है, सब ट्रांसेंडेंटल नाम है, वंशी धनकर सबको बुला रहे है, किंतु गोपियां तो पहुंच जाती है, हम लोग नहीं जा रहे, गाय आदि भी पहुंच जाते हैं, गाय की भी नाम है समली दाबली दबली मृदंगमुखी ऐसे नाम है, और कृष्ण वंशी धनी के द्वारा सारे गाय को भी बुलाते रहते हैं, सब पहुंच जाते हैं, सखाओं के नाम लेकर के बुलाते सुबल सीधा मधुमंगल, और सब सखा लोग एकत्रित हो जाते हैं, गोपियों के नाम लेकर के भी कृष्ण बुलाते हैं, पशु पक्षी गायों की भी नाम है, सारे गायों के नाम लेकर के कृष्ण पुकारे सभी पहुंच जाते, कृष्ण भी आपके नाम लेकर के पुकार रहे हैं किंतु आप नहीं जा रहे हो, यही आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं आप जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा हुआ, वो तो बोल रहे हो उत्तर तो दे रहे, उत्तर आपके याद नहीं रखते, हमें कान में वंशी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रहा, क्यों सुनाई नहीं पड़ रहे, अरे कान को हम ब्लॉक करके रखे हैं, तो किससे ब्लॉक करके रखा है बताओ, संसार वासना, क्या वासना संसार वासना, इसलिए कह रहे आर कवि निताई चांदी कोरोना हुई वे संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन कवि हम हेरब है, हमारे आंख में ए कान में क्या हो गया, संसार की वासना, संसार की वासना के द्वारा हम ब्लॉक करके रखे है, आज इसको बाहर निकालना पड़ेगा, संसार वासना है, इसलिए कहता है आर कवि निताई चांदी कोरोना हुई वे संसार वासना मोर कवि तुच्छ है, देख जब ये संसार वासना जब दूर हो जाए, अचित्त शुद्ध सत्त निर्मल हो जाए, संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आकर के रिफ्लेक्ट होगा, प्रतिबिंबित होगा, तब हृदय द्रवीभूत होगा, तब हम भगवान के ओर दौड़ेंगे, दौड़ जो उड़ना चाहते हैं उसे क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, रन कहते हैं है? दौड़ना पड़ता है, जो जितना दौड़ेगा वो उतना ही ऊपर उड़ेगा, बोलो वृंदावन बिहार है, दौड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जितने दौड़ लगाओगे
है, जैसे दोपहर के समय आप गाड़ी चलाओगे आपके ऐसे लगेगा 5 मीटर सामने रास्ते के ऊपर पानी है, इसको कहते हैं इल्यूजन। उसी प्रकार संसार के मायाबद्ध जीव है, संसार की वासना संसार की सुख भोग करने के लिए है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, किंतु है आगे पानी है, इसलिए दौड़ता 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 रहता है और अंत में है गंभीर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। तप्त तो बालू जो है, बालू इतने तप है और हमको तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार संसार की जीव संसार की अनित्य वस्तु की तरफ दौड़ते रहते हैं। अनित्य वस्तु क्या, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार मकान लाभ पूजा प्रतिष्ठा नेम फेम रेपुटेशन एंड और यहाँ तक तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति तक यहाँ तक भी कहते जी इतने माया में मोहित हो जा करके पड़े हुए सत्य वस्तु की उसे पता नहीं लगता है। महाप्रभु दौड़ रहे, महाप्रभु जो दौड़ रहे हैं ये जीव के, जीव के अगर जीव रूपी हिरण है महाप्रभु उसके पीछे दौड़, ये जीव रूपी हिरण इसे तो वही उदाहरण द्वैतम मायाम इप्सितम अन्नधावतम तक्ता सुदिश्य सुरेश्वित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्द माया मृगम दैत्यप्सितम। माया रूपी ये जीव मैं भोगता हूं है, ये सब क्या है माया के द्वारा मोहित हो गया, मायाबद्ध जीव कहा जैसे है, जैसे वो मरी क्या बोल रेगिस्तान में है तेजाट में उसको देख करके क्या लगता है जब पानी सामने है, किंतु पानी नहीं है, है क्या चीज, वो तो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सुखी है सब।